Hey, hello everybody, welcome back with a new video. मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हम सबके YouTube चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अभी। गाइज आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो गलतियां करते हैं वाइल ट्रेडिंग, चाहे वो मेरे ग्रुप में हो चाहे इंडिविजुअल हो, अगर आप घर पे भी ट्रेडिंग करते हैं अपने डिवाइस में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो आज का जो पार्ट है हमारा बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ ट्रेडिंग 4, तो आज का जो पार्ट है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रॉन्ग टाइम एंड रॉन्ग एंट्री। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा एंट्री का कितना महत्व रहता है ट्रेडिंग के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको समझ आएगा कि क्या आप गलतियां करते हैं जिससे कि आप मेरे सिग्नल को मिसमैच कर देते हैं अपने सिग्नल के साथ, टाइमिंग मैच नहीं कर पा रहे हैं और आप खुद भी जब ट्रेडिंग करते हैं तो रॉन्ग एंट्री का जो प्रॉब्लम रहता है वो भी आपका काफी हद तक सॉल्व होने वाला है इस वीडियो के बाद। गाइस टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर हो जाना अगर आप अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हो, क्योंकि सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलती हैं। दोस्तों वीडियो का जो पर्पस है, जो फोकस है, वो बेसिकली दो पॉइंट की तरफ रहने वाला है। फर्स्ट, अगर आप मेरे जो ग्रुप है, जो कि फ्री सिग्नल ग्रुप है, आपको पता है अगर आप उसमें ज्वाइन है या नहीं भी है, तो वहां पे जब मैं ट्रेड लेता हूं उसके जो रिजल्ट्स है मेन ग्रुप में अपलोड करता रहता हूं, वहां पे आपने एक चीज चेक की होगी, कंसिस्टेंसी। आपको मंथ के एंड में प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, लास्ट मंथ भी 300 समथिंग प्रॉफिट हुआ था डॉलर्स का। दोस्तों मेरे ग्रुप के अंदर जहां पे मैं ऑल इन ट्रेड का सिग्नल्स आप लोगों को देता हूं, मेरे सिग्नल देने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 से लेके 30 सेकंड तक का डिले कर देते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे पास टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपका और मेरा टाइम मिसमैच कर रहा है जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिट है मेरा लॉस है या आपका लॉस है मेरा प्रॉफिट है, समझ नहीं आता लोगों को सिचुएशन, उसका क्या सॉल्यूशन है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आपके पास दो डिवाइसेस है, सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास दो लैपटॉप है, दो मोबाइल है, तो एक में आप टेलीग्राम को लॉगिन करो और दूसरे में आप अपने ऑल इन ट्रेड के अकाउंट को लॉगिन करो। ये बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर आपको टेलीग्राम पे सिग्नल मिलता है इंस्टेंटली आपका बटन होना चाहिए पुट एंड कॉल पे, एंड डायरेक्टली आप पुट एंड कॉल कर लो। इससे क्या होगा ना, 1 सेकंड का डिफरेंस शायद आ सकता है जो कि माइनर है, इतना डिफरेंस चलता है। लेकिन अगर आप एक मोबाइल यूज करते हो या एक डिवाइस यूज करते हो सिग्नल को फॉलो करने के लिए, तो क्या गलतियां होती है देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर आपने एक टैब ओपन कर रखा है टेलीग्राम का, देन आप दूसरे टैब में स्विच करोगे सिग्नल मिलने के बाद ऑल इन ट्रेड का, अगर आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है तो फिर आपको 5 से 10 सेकंड का डिले हो जाएगा, जो कि यार हार और जीत का डिफरेंस ला देता है एक ट्रेड के अंदर, यानी कि प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस ला देता है। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर आप बोलोगे कि यार मेरे पास तो दो डिवाइस ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, आप अपने मोबाइल में मल्टी स्क्रीन यूज कर सकते हो, मतलब एक टैब ओपन कर सकते हो ऑल इन ट्रेड का, दूसरा टैब आप ओपन कर सकते हो टेलीग्राम का, ये भी एक सॉल्यूशन है। अब कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि यार मैंने जो है दो डिवाइसेस यूज कर रखे हैं, या जो मेरा मोबाइल है उसमें मैंने मल्टी टैब का ऑप्शन ओपन कर रखा है, सब कुछ ठीक है इवन, तो आपके और मेरे सिग्नल्स में डिफरेंस आ रहा है, उसकी क्या रीजन है। तो दोस्तों यार सबसे बड़ा जो इंपैक्ट डालता है या सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना, वो होता है इंटरनेट कनेक्शन। आपका जो अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है या पुअर कनेक्टिविटी है, तो मेरे द्वारा दिया गया सिग्नल आपको 1-2 सेकंड के डिले से आपको मिलेगा, उसके बाद और डिले हो जाता है आपके सिग्नल लेने के लिए, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी मस्ट होनी चाहिए। दूसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो ये कि आपका जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो, आइदर मोबाइल हो या लैपटॉप हो, उसमें स्पेस खाली होना चाहिए। मतलब अगर आपका स्टोरेज पूरा फुल है तो फिर क्या होगा कि लोड होने में टाइम लगेगा, जैसे आप एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे बंद करेंगे तो फिर उसमें टाइम लगेगा, प्रोसेसर थोड़ा स्लो हो जाता है जिसकी वजह से भी डिले हो जाता है सिग्नल्स के अंदर, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ये 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, अगर आप ये अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आपके और मेरे सिग्नल्स में डिले नहीं होगा, और जैसा कि मैं मंथली जो प्रॉफिट ले लेता हूं वो भी आप आराम से ले सकते हैं, और जो कि बिल्कुल फ्री आपको पता है। अगर आपको नहीं पता कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो ये हो रही है ऑल इन ट्रेड के फ्री सिग्नल ग्रुप के बारे में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम सपोर्ट आईडी का, जहां से आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप खुद से ट्रेडिंग लेते हो तो क्या मेजर गलतियां करते हो रिगार्डिंग टाइमिंग, तो सबसे पहले आपको परफेक्ट टाइम पे एंट्री लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा investing.com और tradingview.com की जो वेबसाइट्स हैं उनपे, और सबसे पहले चेक करना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर करेंसी पेयर पे आप ट्रेड लेने वाले हो या ले रहे हो, क्या उस पर्टिकुलर पेयर पे कोई न्यूज है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा या अपने करेंसी पेयर को स्विच करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी एंट्री पॉइंट क्या है, उसको कैसे आप परफेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जब आप ट्रेड लोगे ना तो आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन पे चीजों को देखना पड़ेगा, आपकी जो कैंडल की एक्सपायरी है लास्ट कैंडल की और नई कैंडल की जो फॉर्मेशन है आपको उसके बीच में कैसे ट्रेड लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि आपने मेरे ग्रुप में देखा होगा,
डेली जो ट्रेडिंग लेते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक्सपायरी और फॉर्मेशन के बीच में ट्रेड रहता है, या तो किसी फॉर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन के टाइम पे ट्रेड लेता हूं या कोई कैंडल की एक्सपायरी होने के बाद। ये चीज आप देखेंगे तो आपको समझ आएंगी चीजें कि किस तरीके से काम करती है मार्केट के अंदर। और आप मेजरली यही गलतियां करते हो जिसकी वजह से टाइमिंग मिसमैच होता है, परफेक्ट टाइम आप एंट्री नहीं ले पाते हो और बोलते हो कि एक सेकंड से मैं लॉस कर गया, अगर मैंने खुद से ट्रेडिंग लिया दो सेकंड से मैं लॉस कर गया। ये जो है इश्यू मेजरली आते ही रहते हैं, मेरे पास भी काफी सारी क्वेरी आती है रिगार्डिंग द सेम। दो पॉइंट आज की वीडियो में हमने मेजरली डिस्कस किए हैं कि अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो ऑलरेडी, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि मिसमैच हो रहा है टाइम, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है कि किस तरीके से आप अपने टाइम को और मेरे टाइम को मैच कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप खुद ट्रेड लेते हैं अपने किसी भी डिवाइस में ऑल इन ट्रेड या कोई भी ब्रोकर के साथ, तो आप क्या गलती करते हैं परफेक्ट टाइमिंग की। आपका जो एंट्री पॉइंट है वो अच्छा होना चाहिए, अगर वो अच्छा रहेगा 10 में से 7 एंट्री पॉइंट अगर आप अच्छे रखते हो तो आपके विनिंग के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूं जो कंटेंट मुझे आप तक पहुंचाना था आप समझ गए होंगे, और लाइक कमेंट एंड शेयर आपने कर दिया होगा। एंड और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए इन फ्यूचर स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।